बॉलीवुड से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक दिसंबर और आने वाले नए साल में कुछ न कुछ बढ़िया रिलीज होने वाला है। इसी हफ्ते शाहरुख खान की फिल्म डंकी के ट्रेलर से लेकर ऋतिक रोशन की फाइटर तक का टीजर रिलीज हुआ है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर द क्राउन सीजन 6 का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हो चुका है। चलिए जानते हैं किन किन फिल्मों और सीरीज के टीजर और ट्रेलर इस हफ्ते रिलीज हुए हैं। डंकी साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने के बाद शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म डंकी लेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी हार्डी नाम के शख्स पर है, जो अपने दोस्तों और प्यार को गैर कानूनी रूप से भारत से इंग्लैंड ले जाता है। मूवी का ट्रेलर इसी हफ्ते रिलीज हुआ था, जो कि काफी हिट हुआ। आप इस फिल्म को 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में देख पाएंगे। मस्त में रहने का नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म मस्त में रहने का ट्रेलर काफी मजेदार था। फिल्म की कहानी कुछ अलग किरदारों के बारे में है, जो जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। यह मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। फाइटर, ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का टीजर भी इसी हफ्ते आया है। फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर देखने को मिलेंगे। मूवी की कहानी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के बारे में है। इस मूवी में आप हवा में एक्शन के साथ साथ दीपिका और ऋतिक का रोमांस भी देख सकेंगे। 25 जनवरी 2024 को यह फिल्म सिनेमा घरों में आएगी। द क्राउन सीजन 6 का पार्ट 2 नेटफ्लिक्स के फेमस शो द क्राउन का सीजन 6 जल्दी आने वाला है। इस सीजन को दो पार्ट में रिलीज करने का फैसला किया गया था। जब पहला पार्ट रिलीज हुआ तो काफी हिट साबित हुआ। अब जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है। शो का ट्रेलर इसी हफ्ते रिलीज हुआ है और काफी पसंद किया जा रहा है। 14 दिसंबर से आप सीजन 6 के पार्ट 2 को देख पाएंगे। हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2, Amazon प्राइम वीडियो का शो हाउस ऑफ ड्रैगन के पार्ट 2 का टीजर इसी हफ्ते रिलीज किया गया है। गेम ऑफ थ्रोन के मेकर्स का यह शो काफी हिट रहा था। सीजन 1 को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। यह शो 2024 की गर्मियों की शुरुआत में रिलीज हो सकता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।